हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे कौवे के बारे में। कौवा एक मध्यम कद का पक्षी है जो काले रंग का होता है। इसका मुंह छोटा होता है और शरीर बड़ा होता है। कौवे की दो काली चमकीली आंखें होती हैं और दो पंख होते हैं जिससे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जा सकते हैं। इसके मुंह पर एक काले रंग की मजबूत चोंच होती है जिसकी मदद से ये खाने को तोड़ मरोड़ कर खाता है। कौवे के दो नुकीले पंजे वाले पैर होते हैं तथा उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिसकी मदद से वह सर्दी और गर्मी के मौसम में खुद को बचाए रखता है। कौवा भोजन में सड़ी गली रोटी, मांस, मिठाई, पक्षियों के अंडे इत्यादि वस्तुएं खा लेता है। कौवा वातावरण की सड़ी गली वस्तुओं को खाकर वातावरण को स्वच्छ रखता है। ये आवाज करता है कामकाओ की, जो बहुत कठोर और कर्कश भरी होती है। तो आइए आज की कविता शुरू करते हैं। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। चलिए दोबारा गाते हैं। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। अगर मेरी कविता बढ़िया लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।